सारिम भाई आप कहाँ हैं? ईद आ गई है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे याद है हर साल हम लोग को आप कुर्बानी पे लेके जाया करते थे ऊंट की। आप कितने अच्छे तरीके से ऊंट को नहल करते थे और फिर उसके खून से जितने भी लोगों को एलर्जी होती थी स्किन की, आप उन सबका शिफा दे देते। सारिम भाई, बच्चे क्या, औरतें क्या, पूरे शेल्टर का माहौल सूना है आपके बगैर, आपका घर सूना है, आपका ऑफिस सूना है। सानिम भाई प्लीज वापस आ जाइए, अब जहाँ कहीं भी है हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। हम दिन रात काम करते हैं लेकिन दिल में आपके लिए दुआएं करते हैं, हमारे हाथों में तस्बीहां होती हैं आपके लिए। सानिम भाई प्लीज आप जहाँ कहीं भी हैं वापस आ जाइए, सानिम भाई वापस आ जाइए। मैं जब भी ऑफिस जाया करती थी, जब भी मैं परेशान होती थी, सानिम भाई गुजर रहे होते थे, मेरे सर पे हाथ रखते थे, मुझे हंसाते थे। उन्होंने बहुत बुरे वक्त पे मेरा साथ दिया, मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व किए। या अल्लाह सारिम भाई को जल्दी हमारे पास भेज दें। जब नया नया आया था मेरे सालिम बाबा, मुझे रो रहा था, सालिम बाबा ने मुझे समझाया था और सालिम बाबा फिर मैंने बोला था। जब मैं नहीं आई थी ना ऑफिस में जा रही थी कि मैं यहाँ पता नहीं क्या होता था, वैसे सालिम बाबा ने मुझे मुका के बर्गर दिए थे, मैंने आधा खाया था। नहीं मैं रो रही थी, सालिम बाबा ने मुझे बादाम दिए थे। मैंने सो रही थी, सालिम बाबा ने मुझे उठाया। मैंने तारों का मैं डर के फिर सालिम बाबा को मैंने कहा, तारों को मैंने प्यार कर, सालिम बाबा ने मुझे बादाम दिए। तो जब मैं लेटी हुई थी, सालिम बाबा आए और बोलते मैं जल्दी से बेटा आ जाऊँगा। अक्सर ऑफिस जाया करती थी, जब मेरी मीटिंग आती थी तो मैं अक्सर ऑफिस जाती थी। तो अपनी मेरी कभी बहन आती थी, कभी मेरी खाला मुझसे मिलने आती थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं मीटिंग पे गई, तो मेरा बहुत दिल था कि मैं ईद का मौका था तो इसलिए मैं छुट्टी पे जाना चाह रही थी। तो मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मतलब मेरे घर वाले वो नहीं मान रहे थे। तो मैंने सर से बात की और सर को मैंने बोला कि आप मेरे घर वालों को समझाएं, उनसे बात करें कि वो मुझे एक हफ्ते के लिए, कुछ दिनों के लिए मुझे मतलब छुट्टी पर ले जाएं, ईद भी आ रही है। तो फिर सर ने मेरी खाला से उनको बात की, काफ़ी तरीके से उन्होंने उनको समझाया, उनको कायल किया। और सर ने कहा कि आप जब कोई वो नहीं है, छुट्टी का मसला नहीं है, आप इसको जब मर्जी 3-4 महीने बाद आप इसको अगर ले जाना चाहती हैं तो आप ले जाएं, तो चंद दिनों के लिए थोड़ा ये फ्रेश हो जाएगी, थोड़ा इसका माइंड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फिर मेरी खाला मुझे छुट्टी पर ले गई थी। तो ये सर का बहुत उनका ये एक एहसान है कि उन्होंने मेरे लिए बात की, मेरे घर वालों से उनको समझाया। तो अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अल्लाह करे पहले सर वापस आ जाएं, जो उनकी मुश्किल जो जिस मुश्किल में जिस परेशानी में, अल्लाह पाक उनकी दूर करें और वो जल्दी से आ जाएं।